हे प्रभु, मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब है और मेरे जेब में पैसे भी नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं स्वामी। चिंता मत करो बालक, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे दवा दे दिया, इसके लिए धन्यवाद स्वामी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा चैनल का आइडियाज बताने वाला हूं जिस कैटेगरी में आप अगर काम करते हैं तो आपके वीडियोस पर लाखों में व्यूज आएंगे और आप बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर पाएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप साइड में देख सकते हैं, प्रशांत लाइफ ब्लॉग नाम से ये चैनल है। इन्होंने मात्र 218 वीडियोस अपलोड करी है और आप इनके रिसेंटली सब्सक्राइबर देख सकते हैं, 67,30,000 सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किया है मात्र 218 वीडियोस पर। दोस्तों, इनके रिसेंटली व्यूज की बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं लाखों में व्यूज यहां पर इनके आ रहे हैं, और पॉपुलर वीडियोस की बात की जाए तो यहां पर देख सकते हैं 11 करोड़ 8 करोड़ ऐसे इनका व्यूज आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन में। यहां पर आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है उस वीडियो को आपको यहां पर इम्पोर्ट कर लेना है। मैंने आपको समझाने के लिए इस वीडियो को लॉन्ग फॉर्म में रिकॉर्ड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। आपको यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूं तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करते समय हमेशा ट्राईपॉड का यूज करना है ताकि आपका फ्रेम बिल्कुल भी ना हिले। यहाँ पर मैं भगवान से कुछ बातें करूंगा, इसके बाद हाथ फैलाऊंगा, ठीक है। हाथ फैलाऊंगा तो यहाँ पर आप जो भी चीज अपने हाथ में जादू से लाना चाहते हैं उसको यहाँ पर रख लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर बच्चा जैसे ही फ्रेम से निकल जाएगा आपको यहाँ से अपना फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको एडिटिंग कैसे करना है। तो आप देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है आपको। जैसे ही आप बोलना यहाँ पर आकर बैठ कर बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे तो आपको उस वाले पार्ट से स्टार्टअप करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्टअप करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ जोड़ूंगा, ठीक है, हाथ जोड़ने के बाद दोस्तों, जैसे मैं हाथ फैलाने के पोजिशन पे आऊंगा उसके जस्ट पहले आपको वीडियो को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को स्प्लिट कर देंगे। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो भी इमेजेस यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस इमेजेस को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। इमेज को इम्पोर्ट करना है दोस्तों, अब इसको प्लेन एंड जूम करके फ्रेम के बराबर आपको फिट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इतना काम करना है। अब यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके, ठीक है, मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर भगवान का कोई सा भी इमेजेस आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। मेरे पास पीएनजी वाला इमेजेस है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा ताकि फ्रेम में अच्छे से फिट आ जाए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, अब आपको इसमें एनिमेशन देना है ताकि भगवान थोड़ा से मैजिक के रूप में प्रकट हो, तो आप इन एनिमेशन पर क्लिक करके यहाँ पर एनिमेशन दे देना। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर इतना काम करना है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर हाथ जोड़ूंगा, ठीक है, हाथ फैलाऊंगा यहाँ पर पूरी तरीके से, हाथ फैलाने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को बीच से स्प्लिट कर देना है, ठीक है, स्प्लिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको उस वाले पॉइंट पे आ जाना है जब ये बच्चा यहाँ पर कुछ भी जो भी दबा रख कर जा रहा है, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है, जैसे ही आप हिलने वाला पोजिशन करेंगे उसके जस्ट पहले सेकेंड से आपको वीडियो को कट कर देना है। अब यहां से आप प्ले करके देखेंगे कि यहां पर आपके हाथ में जादू से डब्बा आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर आपको जो भी इफेक्ट लगाना है वो आप कैसे लगाएंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहां पर मैं जैसे पूरा तरीके से मना लूंगा भगवान को, इसके बाद वीडियो को यहां से एंड पार्ट को कट कर लूंगा। दोस्तों, यहां पर आपने इतना काम कर लिया, अब आपको इसमें इफेक्ट लगाना है। तो इफेक्ट लगाएंगे कैसे, तो आपको इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यूट्यूब से आप कोई भी ग्रीन स्क्रीन मैजिक वाला पावर डाउनलोड कर लेना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया पर क्लिक करना है, आपने जो भी यहाँ पर मैजिक पावर डाउनलोड किया है आपको उसको इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला मैजिक पावर इम्पोर्ट कर लूंगा जिसमें पावर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मैजिक पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है और इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितना में आपका अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आपको रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपको भगवान के हाथ में इसको लगा देना है मैजिक को। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा से बड़ा कर लेना है ताकि मैजिक जो हो वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा से बड़ा कर लेना है या फिर भगवान के फोटो को ही आप थोड़ा से बड़ा कर लीजिए ताकि मैजिक आपका अच्छे से फिट हो जाए। तो
तो मैं यहाँ पर भगवान का फोटो को थोड़ा से बड़ा कर लूंगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, मैजिक वाले ऑप्शन को भी हल्का से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको भगवान के हाथ में इसको सही से फिट कर देना है, ठीक है। फिट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इसके स्पीड को थोड़ा से स्लो कर देना है, ठीक है। स्पीड को थोड़ा से स्लो कर देंगे ताकि मैजिक आपका जाते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए मैजिक निकल रहा है, ठीक है। तो मैजिक निकल रहा है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से कट आउट कर देना है। यहाँ पर तीनों को बराबर कट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे ही आपके हाथ में वो दवा आ जाएगी मैजिक से, यहाँ पर देखिए दवा आ गई तो अभी उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। आपने जो भी ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड किया है आप उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों प्ले करेंगे अब, ठीक है, प्ले करेंगे। अब देखिए मेरा जो है कि वीडियो छोटा है, आगे ग्रीन स्क्रीन नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मीडिया पर क्लिक करूंगा, यहाँ से कोई सा भी एक इमेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, इमेजेस को बड़ा कर लूंगा ताकि मुझे जो स्क्रीन चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर मैं प्ले करूंगा, जो भी इफेक्ट मुझे चाहिए बीच में, ठीक है, वो इफेक्ट यहाँ पर मैं कटआउट कर लूंगा। अब मैं प्ले करके देख लूंगा कि मुझे कौन सा इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला इफेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसी वाले इफेक्ट को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर दूंगा फालतू का पार्ट, इसको आगे खींच के लेके आ जाऊंगा, जहाँ से मुझे इफेक्ट लगाना है उसको मैं यहाँ पर लेकर चला आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर लेके आने के बाद दोस्तों अब आपको एक बार प्ले करना है, ठीक है, इफेक्ट स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ठीक है। जैसे इफेक्ट स्टार्टिंग हो रहा है आपको फालतू के पार्ट को यहाँ से कटआउट कर देना है, ठीक है, कट कर देंगे। इसके बाद लास्ट वाला मोमेंट भी यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको अपने वीडियो को यहाँ से ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्रोमा की कर देना है, क्रोमा की करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्रोमा की इनेबल कर देंगे। इसके बाद इसको हम अपने हाथों में यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग करना है, ठीक है, इसको हम फिट कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए बहुत ही बड़ा है ये मैजिक जो है हमारा, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है, छोटा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको इसको अपने हाथों पर ले जा करके फिट कर लेना है, ठीक है। अब आपको कहाँ से इसको लगाना है आप ट्राई करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्ले करके देखेंगे कि फिट हुआ कि नहीं मैजिक, तो यहाँ पर देखिए मैजिक फिट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको वीडियो को बनाना है। दोस्तों मैं आपको कलर फिल्टर सिखा देता लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग हो जाओगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कलर फिल्टर सिखाऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरी तरह वीडियो को HDR कर पाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। मैं आपको वीडियो एडिटिंग से लेकर के थंबनेल कैसे बनाया जाता है या फिर वीडियो में SEO कैसे करना है सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ।